सभी गायों में से एक काली गाय पर नजर पड़ती है गौशाला प्रभारी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय की। वो गाय की इस नाजुक हालत को देखकर फौरन गौशाला के अस्थायी अस्पताल में ऑपरेशन की व्यवस्था करते हैं और इसके बाद शुरू होता है गाय का ऑपरेशन। इस ऑपरेशन से मालूम होता है कि हम जाने या अनजाने में गौ माता मानने वाले इन गायों के ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं। चूंकि गृहणियां या आम लोग घर का बासी भोजन, खराब खाद्य पदार्थ और खाने पीने की चीजें पॉलिथीन में भरकर गांठ लगाकर फेंक देते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है। गाय भोजन की खुशबू की वजह से इसे खाने आती है, लेकिन जब भोज्य पदार्थ पॉलिथीन से अलग नहीं कर पाती तो आखिरकार पॉलिथीन सहित ही उसे खा लेती है। इस तरह पॉलिथीन धीरे धीरे गाय के अमाशय में इकट्ठा होने लगती है। गाय का पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता कि पॉलिथीन को पचा सके। यह पॉलिथीन अमाशय में ब्लॉकेज बना देती है और फिर गाय भोजन करने से ही महरूम होने लगती है। हालत यह हो जाती है कि गाय के पेट में सिर्फ पॉलिथीन रह जाती है और ऊपर से स्वस्थ नजर आने वाली यह गाय एक दिन अचानक इस तरह बैठती है कि कभी उठ नहीं पाती और धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। यदि इस गाय का ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ दिनों में यह गाय भी मर सकती थी। बहुत गंभीर स्थिति है, जैसा आपके सामने है कि एक लगभग ये 4.5 साल की गाय है, इसके पेट में से 50 किलो पॉलीथीन निकलना, मीन्स उसके पेट में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसी हमारे शहर की सभी गायों की स्थिति है, लगभग सभी गायों की स्थिति है। और इसमें हम लोग जब तक कचरा पॉलीथीन में फेंकना, पॉलीथीन का यूज़ करना बंद नहीं करेंगे तब तक ये गायों की स्थिति नहीं सुधर सकती। बहुत ही भयावह स्थिति है गायों के लिए शहरी क्षेत्र में। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यह बताना है कि जिस पॉलीथीन का उपयोग हम अपनी सुविधा के लिए करते आ रहे हैं और बाद में इसे इस्तेमाल कर यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, वह किस रूप में हमारी गौ माता की जान की दुश्मन बन बैठी है। इंदौर शहर में रोजाना 15 से 20 गायों की मौत पॉलीथीन खाने के कारण हो रही है। सड़क पर घूमने वाली हर गाय इनकी शिकार हो रही है और यही स्थिति प्रदेश के सभी शहरों में भी है। अब पशु चिकित्सकों के सामने मुश्किल यह है कि अब तक ऐसी कोई दवाई नहीं मिली है जिससे पॉलीथीन को गाय के पेट से निकाला जा सके।